हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो के साथ मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं वो सारे मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं, या वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ चुके हैं और जिनके आने के चांसेस हैं। जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक अरिहंत की। मेरे पर्सनल अगर सजेशन के लोगे तो फिर ये बुक बेस्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। इसमें वो सारे क्वेश्चंस हैं जो सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करते हैं या इसके बाहर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कम चांसेस हैं आने के। तो ये बुक के क्वेश्चंस मैं सारे कराऊंगी। मैंने ये बुक इसीलिए चूज़ करी है क्योंकि ज़्यादातर अभी तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैंने देखा है, ज़्यादातर बच्चे यही बुक फॉलो करते हैं, यही लेना चाहते हैं। तो जस्ट बिकॉज़ ये महंगी है इसीलिए मैंने सोचा कि एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं इस बुक के सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। सो जो भी स्टूडेंट है जो ये बुक ख़रीदना नहीं चाहते जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर और कोई रीज़न से, वो मेरी वीडियो के थ्रू इस बुक के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो बुक अगर खोले तो ये सारे इसमें टॉपिक्स हैं जो कि कवर होंगे। ये 47 चैप्टर्स में डिवाइडेड है ये पूरी बुक। इसमें दो लेवल्स में क्वेश्चन है, फर्स्ट है हमारा सिंपल, उसके बाद है डिफ़िकल्ट लेवल, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे बाहर कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जो आएगा। और जो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट हमारा, वो है सिंपल इंटरेस्ट, जस्ट बिकॉज़ ये सबको आता है। और ये जो टॉपिक है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए मैं स्टार्ट यहीं से कर रही हूँ, सिंपल इंटरेस्ट। एंड अगर हम देखेंगे तो इसमें पहले सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है वो बताया जाता है कि मीनिंग क्या है सिंपल इंटरेस्ट का। उसके बाद बेसिक फॉर्मूलाज जो उसमें होते हैं वो सारे बेसिक फॉर्मूलाज जो सिंपल इंटरेस्ट में पूछे जाते हैं या होते हैं वो, और फिर अलग अलग टॉपिक्स जो इसमें कवर होते हैं। उसके बाद द बेस्ट थिंग इस बुक की है वो है टेक्निक्स, क्वेश्चंस को करने के लिए टेक्निक्स बताई जाती हैं, इजी टेक्निक्स, और जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर अराउंड 7 टेक्निक्स है, बट मेरा मानना यह है कि टेक्निक्स याद करने से अच्छा है कि क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करो जैसे वो करा जाता है, क्योंकि टेक्निक भी उसी से डेवलप होती है जैसे हम नॉर्मली क्वेश्चन को करते हैं, बट उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम वो टेक्निक में बदल देते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है। उसके बाद मल्टीपल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होते हैं जो कि मोस्टली 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं, और उसके बाद स्टार्ट होती है एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज 1 है उसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, और उसके बाद हायर लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल बैंकिंग में पूछे जाते हैं, आईबीपीएस में पूछे जाते हैं, या फिर किसी और बैंकिंग एग्ज़ाम में। बट अगर CHSL या CGL के लिए देखो तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है या बेसिक लेवल के क्वेश्चंस ही कवर कर लेता है सारे SSC CGL के भी। तो ये है, उससे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट का होता क्या है वो एक बार बता देती हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट तो सबको सिंपल इंटरेस्ट का ये बेसिक फॉर्मूला पता होगा, दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, वेयर SI स्टैंड्स फॉर सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इज P इज फॉर प्रिंसिपल, R इज फॉर रेट एंड T इज फॉर टाइम। ठीक है, जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो यही 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स यूज होती है, दैट इज़ प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल अमाउंट जिसको फॉर एग्जांपल अगर हमने बैंक में डिपॉजिट करा है तो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि वो अमाउंट जो हमने बैंक में डिपॉजिट करा है जिस पे एक सर्टेन रेट से हमें इंटरेस्ट मिलेगा फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक
ठीक है, अगर हमने 100 रुपीज़ कहीं पर डिपॉजिट करा है, हमने 100 रुपीज़ कहीं पर डिपॉजिट करा है, तो उस 100 रुपीज़ पर एट दी रेट ऑफ 15% हमें इंटरेस्ट मिलेगा फॉर 2 ईयर्स। जैसे हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करा तो हमने कितने साल के लिए करा वो भी तो वैरी करेगा ना। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने 100 रुपीज़ ही इन्वेस्ट करा है बट ओनली फॉर 4 मंथ, और किसी ने वही 100 रुपीज़ 1 साल के लिए 1 ईयर के लिए डिपॉजिट करा है, तो ऐसा तो नहीं कि इसको भी वही अमाउंट मिलेगा, इसको भी वही अमाउंट मिलेगा एज इंटरेस्ट। इसको ज़्यादा मिलेगा जिसने 1 ईयर के लिए डिपॉजिट करा है। क्यों? क्योंकि उसे ज़्यादा टाइम के लिए बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करा है जिस पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? तो टाइम ऑल्सो वैरीज इन सिंपल कैलकुलेटिंग द सिंपल इंटरेस्ट। सो बेसिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T। अब हम यही बेसिक फॉर्मूला पूरे एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, बट डिफरेंस क्या होगा कि आपको कभी कभी क्या होगा SI दे दिया होगा प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, तो हमें कोई न्यू फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, हमें उसी में ही जो अपने जो भी ये है इनको इधर उधर करके ही वो फॉर्मूला बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बोला प्रिंसिपल कैलकुलेट करो, तो हम क्या करेंगे SI में, अब प्रिंसिपल हमें सिर्फ प्रिंसिपल को यहाँ पर रखना है, बाकी सारी चीज़ इधर ले जा रही है, ठीक है? तो कैसे करेंगे SI इंटू 100, आर नीचे आएगा यहाँ इंटू है तो यहाँ डिवाइड होगा, और टाइम भी यहाँ इंटू है तो डिवाइड होगा प्रिंसिपल। तो ऐसे ही हम प्रिंसिपल कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर टाइम बोला तो सेम टाइम यहाँ रख के बाकी सारी चीज़ें इधर रखनी है, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा बाकी सब चीज़ें कैलकुलेट करने का बेसिक फॉर्मूला, यही है। बेसिक फार्मूला हमें भूलना नहीं है, हमें बेसिक फार्मूला ही लेके चलना है, जब भी हमसे पूछेंगे तो यही फार्मूला यूज़ करके हमें बाकी चीज़ें निकालनी है। अब एक और चीज़, अब हमसे बोलते हैं अमाउंट ये है, अब अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल तो हो गया SI भी हो गया, बट अमाउंट क्या है? तो जो भी प्रिंसिपल में हमें सिंपल इंटरेस्ट जुड़ के मिलता है दैट इज़ कॉल्ड अमाउंट। यानी कि अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, एट दी एंड हमें अमाउंट क्या मिला। तो अमाउंट क्या मिला कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने जो अमाउंट डिपॉजिट करा प्लस जो हमें उस पर इंटरेस्ट मिला, इन दोनों को ऐड करके क्या बन गया, हमारा अमाउंट बन गया, राइट? अब कई बार होता है कि अमाउंट कैलकुलेट करो, तो अमाउंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्रिंसिपल प्लस मैंने क्या बोला सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। अब इन दोनों में से मैंने पी कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 + R × T / 100। तो ये दोनों फॉर्मूला है सेम, बट यहाँ पर पी कॉमन ले लिया। तो कभी ये मत सोचना कि अमाउंट का फॉर्मूला अलग होता है, अलग नहीं होता, बट यहाँ पर पी कॉमन ले लिया और हमने वही चीज़ करी, प्रिंसिपल पर प्लस SI करा, SI का फॉर्मूला यहाँ डाल दिया, प्रिंसिपल इज पी, तो ये अमाउंट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है? ये चीज़ होगी। उसके बाद एक और चीज़ होती है कि हमें क्या होता है कि कई बार हमसे बोलते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो बट हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली क्या होता है, जैसे हमें अब अगर हम इस पर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर जो हमारा रेट है, रेट हमें हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर तो मैंने सिंपल ही लिखा है, यहाँ पर हमारा जो ये भी रेट है वो हमें ईयरली, मैंने अज्यूम करा कि मुझे जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या मिल रहा है, ईयरली मिल रहा है, ठीक है? बट कई बार क्या होता है कि मंथली बोलते हैं कि मंथली हमें हमारा इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब हर मंथ मिल रहा है। यहाँ पर जब हम फिक्स डिपॉजिट करते तो क्या होता है कि हमने फॉर सर्टेन पीरियड हमने फिक्स डिपॉजिट में अपने पैसे डाल दिए, तो हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो एट दी एंड पूरा कैलकुलेट करके मिलता है। बट अगर मैंने बोला कि हमने अपना अमाउंट डिपॉजिट करा है बट हमें उस पर मंथली इंटरेस्ट चाहिए, तो अब मंथली इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मंथली इंटरेस्ट में हमारा जो रेट होगा वो रेट कैसे होगा, आर को 2 से डिवाइड करके वो परसेंट, ठीक है? आर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हमने अगर हम SI कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, पी इंटू आर इंटू टाइम, यहाँ पर जो आर है उसको हम क्या करेंगे, आर को 2 से डिवाइड कर देंगे और बाकी होल 100। बट एक और चीज़, अब हमने R को 2 से डिवाइड कर दिया है तो हम टाइम को 2 से इंटू कर देंगे। क्यों, अब हमने ऐसा क्यों करा,
जो हमारा रेट है वो हम डिवाइड कर देंगे 12 से, सो सॉरी मंथली है ना, तो 1 ईयर यहाँ पर हम ईयरली कैलकुलेट करते थे। ये जो हमारा फॉर्मूला था ये वाला, ये हमारा क्या था, ईयरली फॉर्मूला था कि हमें एट द एंड ऑफ द ईयर हमें मिल रहा है। तो पूरा जो 12 मंथ का एक ईयर बन गया, हमने उस पर ये फॉर्मूला बनाया। बट यहाँ पर हम मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो हमने क्या करा, आर को 12 से डिवाइड कर दिया और टाइम को हम 12 से क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। ठीक है, आर को हमने 12 से डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें जो ये रेट मिलेगा हमने पूरे मंथ्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें एट द रेट ऑफ 10 मिल रहा था हमें इंटरेस्ट, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 हमें इंटरेस्ट मिल रहा था। अब हम बोलते हैं कि हमें यही इंटरेस्ट चाहिए बट मंथली चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, इस इंटरेस्ट को मंथली डिवाइड कर दिया और वही चीज़ मैं क्या करूँगी, टाइम को मैं मंथ से इंटू कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, टाइम को इंटू कर दूँगी, बट एट द एंड हमारा SI तो वही रहेगा ना, राइट, SI हमारा वही रहेगा क्योंकि इससे एक कट जाएगा, बाकी हमारा जो नॉर्मल था वो हो जाएगा। सेकेंड होता है हमारा, ये फर्स्ट था मंथली, राइट, उसके बाद सेकेंड है हमारा क्वार्टरली। क्वार्टरली में क्या होगा, 1 जो हमारा ईयर है वो इक्वल्स टू क्या, कितने क्वार्टर हो जाएगा, 4 क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो हमारा जो रेट है वो हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से, ये हमारा परसेंटेज बन जाएगा, और टाइम हम किससे इंटू कर देंगे, 4 से, जिससे डिवाइड करेंगे उसी से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। उसके बाद हमारा आता है हाफ ईयरली, थर्ड हमारा क्या आता है, हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली एक ईयर में कितने हाफ ईयर होता है, 1 ईयर इक्वल्स टू कितने हाफ ईयर, 2 6 6 मंथ्स के, राइट। तो जो हमारा रेट है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से, और टाइम हमारा किससे इंड हो जाएगा, 2 से, समझ आया। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके बुक में एक क्वेश्चन है, तो वो कर लेते ताकि हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है ए टेक्स 3000 फ्रॉम बी फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10%, यानी कि जो हमारा ए है, यानी कि ए ने बी से 3000 लिए, ए ने बी से कितने लिए, 3000 लिए, कितने ईयर के लिए, 2 ईयर्स के लिए एट द रेट ऑफ 10%, और यहाँ पर क्या बोला है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, बट हाफ ईयरली इंटरेस्ट, यानी कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट मतलब ये जो मैंने अभी यहाँ चीज़ बताई कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट होगा तो रेट किससे डिवाइड होगा, 2 से, और टाइम किससे इंटू होगा, 2 से, राइट। तो वट अमाउंट विल बी पेड बाय ए टू बी आफ्टर द एंड ऑफ 2 ईयर, यानी कि 2 साल के बाद कितना अमाउंट पे करेगा ए बी को, ठीक है, ये है हाफ ईयरली, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि जो ए है उसने बी से 3000 रुपीज़ लिए फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है, एट द रेट ऑफ व्हाट, 10%, और जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली पे होगा, तो एट द एंड ऑफ 2 ईयर वो कितने रुपए पे करेगा। अब मैंने बोला सिंपल इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसने पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट अमाउंट, मैंने क्या बोला, अमाउंट क्या होता है, अगर हम यहाँ देखें तो अमाउंट मैंने बोला कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमारा अमाउंट होता है। अब प्रिंसिपल तो हमें पता है कि 3000 है, इसने 3000 रुपये लिए हैं, बट SI हमें नहीं पता है, तो SI निकालेंगे। SI का फॉर्मूला होता है P(R)(T) डिवाइडेड बाय 100, राइट। अब यहाँ पर बोला है ए ने बी से 3000 रुपीज़ लिए फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल के लिए ए ने बी से 3000 रुपये लिए हैं एट द रेट ऑफ 10%, और इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली में पे होगा, ठीक है, इंटरेस्ट किस में पे होगा, हाफ ईयरली में, राइट। तो मैंने हाफ ईयरली में क्या बताया था कि जो हमारा टाइम है, जो हमारा टाइम है वो क्या होगा, जो 2 है, टाइम क्या है हमारा, 2 ईयर्स है,
तो टाइम हाफ ईयरली में 2 से इंटू हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 ईयर्स हो जाएगा। वेयर एज जो हमारा रेट है विच इज़ इक्वल्स टू 10%, वो 2 से डिवाइड हो जाता है। हाफ ईयरली है ना, 1 ईयर में कितने हाफ ईयर्स होते हैं, मतलब हाफ ईयर इक्वल्स टू 6 मंथ होता है, तो 1 ईयर में दो डिवाइड हो जाएगा, 6 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 12 विच इज 1 ईयर, तो ये आ जाएगा रेट हमारा 5%, राइट। तो अब यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल है हमारा 3000, रेट है हमारा 5, टाइम है हमारा 4 एंड 100, राइट। तो 0 से 0 कटा, 4 5 20, 20 इंटू 30, 30 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 600, तो दैट इज इक्वल्स टू SI, यानी कि SI हमारा है 600। सो 600 प्लस 3600, यानी कि इतना अमाउंट वो पे करेगा एट द एंड ऑफ 2 ईयर। तो यही हमारा आंसर है, राइट। आई होप समझ में आया हो कि कैसे करना है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। उसके बाद एक और चीज़ है विच इज़ इंस्टॉलमेंट। अब ये भी मैं एक बार बता देती हूँ कि इंस्टॉलमेंट होता क्या है। अब सबको पता है कि इंस्टॉलमेंट्स क्या होते हैं। जब भी हम कुछ चीज़ खरीदते हैं मार्केट से, तो कई बार हम पूरा अमाउंट लमसम में पे करने के बदले इंस्टॉलमेंट में कर देते हैं। उसमें क्या होता है, डाउन पेमेंट होती है, डाउन पेमेंट करने के बाद हम उसको इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देते हैं, राइट, इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब वो इंस्टॉलमेंट्स आपके ऊपर है कि आपको कितने साल के लिए बनानी है और कितने इंस्टॉलमेंट्स बनानी है। बट यहाँ बात आती है कि इंस्टॉलमेंट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इंस्टॉलमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर हमने 1000 रुपीज़, या हाँ चलो 1000 रुपीज़ हमने किसी से लोन लिया है, हमने 1000 रुपीज़ लोन लिया है, ठीक है, हमने बोला कि हम तुम्हें ये 1000 रुपीज़ 5 ईयर्स में पे करेंगे, हम ये 1000 रुपीज़ 5 ईयर्स में पे करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इंस्टॉलमेंट बना ली। तो 5 ईयर में अगर हम 1000 रुपीज़ पे करेंगे, तो इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी, इंस्टॉलमेंट फॉर 5 ईयर्स कितने की बनेगी, 200 की बनेगी फॉर ईच ईयर, ठीक है। अब यहाँ तो हमने डायरेक्ट नहीं निकाल दिया, बट जहाँ पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वहाँ पर हम इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब हम किसी से पैसे लेंगे और जब कोई हमें पैसे देगा, इनफैक्ट जब कोई हमें पैसे देगा तो वो उसका कोई प्रॉफिट होगा ना, तभी तो वो जाके हमें पैसे देगा। अगर बिना प्रॉफिट के वो पैसे देगा तो फिर कोई बात नहीं हुई। अगर हम किसी से पैसे ले रहे हैं तो उसको भी तो कोई बेनिफिट होना चाहिए ना, जिसके लिए वो हमें पैसे दे, राइट। तो हम वो बेनिफिट कैसे प्रोवाइड करते हैं, एट दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। हम बोलते हैं कि तुम हमें 2000 रुपीज़ दो, ठीक है, 2000 रुपीज़ दो, हम एट दी एंड तुम्हें 2200 देंगे, ठीक है, उसमें 200 ऐड करके देंगे। तो हमने 200 ऐड करके क्यों दिया, हमने 200 इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ व्हाट, इंटरेस्ट दिया हमने, तभी जाके उसने हमें वो 2000 रुपीज़ पे करें। तो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी ऐड होता है, इसीलिए हमें इंस्टॉलमेंट्स को कैलकुलेट करना पड़ता है, राइट। तो अब इंस्टॉलमेंट जो है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो अब बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं हम कि बुक में कैसे करा है। जो हमारा ए है वो है टोटल अमाउंट पेड। अब टोटल अमाउंट हम पेड कैसे निकालेंगे, हमने टोटल अमाउंट पेड निकालेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट। जो हम प्रिंसिपल जिस जो हमने उससे लिया है और ऐड कर देंगे वो इंटरेस्ट जो हम उसको पे करेंगे उस प्रिंसिपल के साथ, ठीक है, तो वो अमाउंट निकाल दिया। अब इस फॉर्मूला से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब हमें अमाउंट पता है, राइट, तो अमाउंट किसके इक्वल होगा, सारे इंस्टॉलमेंट को जब हम ऐड करेंगे तो वो इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, हमारा अमाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स क्या डिनोट करता है, एक्स डिनोट करता है वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब एक्स प्लस ये फॉर्म लगाइए। अब मैं यहाँ पर समझाती हूँ कि ऐसा क्यों करा है। मैंने बोला ए होता है हमारा अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI, राइट, ये सबको क्लियर है। न्यू पेज में समझाती हूँ।
मैंने बोला अमाउंट ए इक्वल्स टू अमाउंट एंड अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस एस आई, ठीक है, तो ये सबको पता है। उसके बाद एक्स प्लस एक्स इंटू आर इंटू वन वन डिवाइडेड बाय 100, देन एड एक्स प्लस एक्स इंटू आर टू डिवाइडेड बाय 100 अगेन, फिर देन प्लस एक्स इंटू आर एन माइनस वन 100। अब ये चीज़ है क्या, ये चीज़ है क्या? तो मैंने बोला अमाउंट विच इज़ इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस एस आई, हम यहाँ पर निकाल कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट निकाल रहे हैं, तो एक्स इज इंस्टॉलमेंट, राइट। तो जब मैं इन सब का टोटल करूँगी तो हमारा ये टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू अमाउंट होना चाहिए विच इज़ प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो अब ये चीज़ मैंने कैसे लिखी, ये फॉर्मूला कैसे लिखा, तो अंडरस्टैंड करना, जब हम किसी को फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैंक का ही लोन देते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा फॉर्मूला है वो उल्टा है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला उल्टा है। कैसे, अब यहाँ पर n माइनस वन क्यों मैंने लिखा एट द एंड। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 इंस्टॉलमेंट में मैंने अपना अमाउंट को डिवाइड करा है तो मैं 9 इंस्टॉलमेंट में ही तो पे करूँगी। अब ये बात समझने वाली है कि जो 10 इंस्टॉलमेंट्स हैं जब मैं पे करूँगी उनको, तो मेरा जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं दूँगी लगाऊँगी ना, क्योंकि उसके बाद मेरा कोई अमाउंट ही नहीं बचा, राइट। ऐसे ही तो होता है जब हम अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, जैसे 10 इंस्टॉलमेंट में मैंने डिवाइड करा है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, ये है मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर इस ये मैंने एज इट इज़ लिखा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 500 का जो इंस्टॉलमेंट बन रहा है वो मैंने 500 ऐसे लिखा, उसके बाद बाकी 500 में मैंने एक सर्टेन रेट, फॉर एग्जाम्पल 10% रेट से मैंने 10 इंस्टॉलमेंट है मैंने, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने यहाँ पे कर रही हूँ, तो बाकी के बचे 9 इंस्टॉलमेंट में ही तो मैं इंटरेस्ट लगाऊंगी क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो मैं पे कर रही हूँ। तो अगर मैंने वो अमाउंट 10 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करा है तो फर्स्ट उसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे कर रही हूँ तो मैं उसमें इंटरेस्ट क्यों लगाऊँ, मैं बाकी की बचे हुए अमाउंट में इंटरेस्ट लगाऊंगी, राइट। तो मैंने यहाँ क्या करा, एन माइनस वन इसीलिए करा क्योंकि मैंने जो 10 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करा है उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे हो गया, तो बचे कितने 9 इंस्टॉलमेंट बचे, तो ये 9 इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट लगा के पे करूँगी। उसके बाद 9 अगर मैं यहाँ पर 9 ना लूँ और मैं 4 बोलूँ या 3 बोलती हूँ, चलो 3 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल 4 इंस्टॉलमेंट है तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, 4 माइनस 1 3 इंस्टॉलमेंट, उसके बाद मैं 3 इंस्टॉलमेंट की पे हो गई, उसके बाद मैं यहाँ पर मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करूँगी, तो सेकंड मैं जब पे करूँगी तो मेरी बाकी की कितनी बची होंगी इंस्टॉलमेंट, 2 बची होंगी, तो 2 में मैंने इंटरेस्ट लगाया। उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट जब थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करूँगी तो थर्ड में मेरी कितनी बची होंगी, थर्ड के बाद मेरी एक और इंस्टॉलमेंट बची है, राइट, एक क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट में से फर्स्ट यहाँ पे कर दी, सेकंड यहाँ, थर्ड, अब थर्ड के बाद मेरी एक और इंस्टॉलमेंट बची तो मैं उसमें इंटरेस्ट लगा के उसको दे दूँगी, और लास्ट में मेरी तो लास्ट इंस्टॉलमेंट बची, उसके बाद मेरा कोई अमाउंट ही नहीं है तो मैं इंटरेस्ट क्यों लगाऊँ, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट मैंने ऐसे ही पे कर दी। अब समझ आया कि मैंने कैसे ये फॉर्म्यूला बुक में लिखा है, तो ये सारी जब इंस्टॉलमेंट मैं ऐड ऑन करूँगी तो मेरा अमाउंट ही तो बनेगा ना, राइट, बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये मेरा अमाउंट बनेगा। तो इस तरह से हम अपनी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें ये सब पता है, राइट, हमें अमाउंट पता, हमें रेट पता होगा, हमें टाइम पता होगा, हमें इंस्टॉलमेंट ही निकालनी है एट द एंड, ठीक है। उसके बाद अब एक बार ये वाले देखते हैं एग्जाम्पल सो दैट हमारा क्लियर हो जाए। अ स्कूटी इज सोल्ड बाय ऑटोमोबाइल एजेंसी फॉर ₹19,200। तो अगर हम साथ साथ ही इसी को करें तो जो एक स्कूटी है, ठीक है, एक स्कूटी है, वो स्कूटी कितने की है, वो स्कूटी सोल्ड हो रही है ऑटोमोबाइल से एट द ₹19,200 कैश में, जिसमें से फॉर 4,800 कैश डाउन पेमेंट टुगेदर विथ 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी कि जिसमें से डाउन पेमेंट कितना हो रहा है, डाउन पेमेंट हम कर रहे हैं ऑफ ₹4,800 का, ठीक है, बाकी की बची हुई
वो इंस्टॉलमेंट जो बना रहा है वो इंस्टॉलमेंट है फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट है और रेट है उसका 12,000, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट, ये टाइम तो पता चल गया, फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। अ स्कूटी इज सोल्ड बाय एन ऑटोमोबाइल एजेंसी ऑफ ₹19,200 कैश फॉर इतना कैश डाउन पेमेंट टुगेदर विद 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स है, ये भी ध्यान रखना। जो इंस्टॉलमेंट है हमारी 5 ईयर की, वो है हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट। उसके बाद है हमारा इंस्टॉलमेंट, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द कंपनी इज 12%, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। यानी कि अगर वो मंथली इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहा है वो 12% का है, तो फिर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या होगा? तो पहले हम टोटल अमाउंट निकालते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया यहाँ पर, हमें क्या निकालना है, पहली चीज़ टोटल अमाउंट निकालनी है, राइट। तो अमाउंट क्या होगा, सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है हमारा, 19 रुपीज़ की उसने खरीदी है जिसमें से 4,800 की उसने डाउन पेमेंट दी है, राइट। उसने 19,200 की खरीदी है, उसने डाउन पेमेंट कितने की दी है, 4,800 की। तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि जिसकी वो इंस्टॉलमेंट बनाएगा, वो कितना निकलेगा, 14,400, राइट। इतना समझ आया, 14,400 हमारा प्रिंसिपल निकला। अब प्रिंसिपल निकल गया, अब हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है हमारा 4,400, अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा हमारा, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कैसे निकलेगा, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, राइट। समझ आया कि पी इंटू आर इंटू टी हमारा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, इसको भी यहाँ प्रिंसिपल है हमारा 14,400, रेट है हमारा 12%, एंड टाइम इज फॉर फाइव ईयर्स। अब मैंने क्या बोला, जब मंथली होगा, राइट, जब क्या होगा, मंथली होगा, यहाँ पर क्या बोला उसने, रेट जो हमारा इंटरेस्ट पे होगा वो मंथली बेसिस पे होगा, तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, हम जो हमारा रेट है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, हम उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। जो हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट है वो हम पूरा 12 से डिवाइड कर देंगे मंथली निकालने के लिए, राइट। जो हमारा रेट था वो हम किससे डिवाइड करेंगे, 12 से, विच इज इक्वल्स टू 1। और जो हमारा ईयर है, जो हमारा टाइम है, विच इज 5, तो हम 5 को किससे इंटू कर देंगे, 12 से, ये हो जाए हमारा 60। अब 1 इंटू 60, बात तो यही होगी ना, 12 इंटू 5, इसीलिए मैंने अलग अलग नहीं करा, राइट, समझे कि इसीलिए मैंने अलग अलग नहीं करा, इसीलिए मैंने वैसे ही लिख दिया, क्योंकि वो कट हो जाके सेम चीज़ ही होती। तो ये हमारा निकला, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा कितना आएगा, तो 5 2 5 5 6 7, तो एट द एंड हमारा आंसर आ जाएगा 151। तो ये आया हमारा अमाउंट, ठीक है, ये आ गया हमारा अमाउंट। अब हमारा अमाउंट निकल गया, बट हमें इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी है। तो इंस्टॉलमेंट की 5 इंस्टॉलमेंट्स थी ना, 5 इंस्टॉलमेंट थी, राइट। तो फॉर्मूला क्या होगा, पहले अब ये मत सोचना कि ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इसको मैं अभी तुम सामने ही शॉर्ट करके दिखाती हूँ। ये हमारा फर्स्ट हो गया, राइट, 5 इंस्टॉलमेंट है ना, 5 इंस्टॉलमेंट है, तो हम 4 में करेंगे, क्योंकि फर्स्ट हम विदाउट इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये हमारा निकला, अब यहाँ पर आएगा रेट, अब रेट है हमारा 12%, राइट, और टाइम क्या होगा हमारा, फर्स्ट में तो 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। बट क्योंकि हम मंथली पे करेंगे, क्योंकि हम मंथली पे करेंगे, तो हम यहाँ पर भी 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये यही मेन इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट थी, जस्ट बिकॉज हम जो इंटरेस्ट है ये अपना मंथली पे करेंगे, इसीलिए हम किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, नाइदर डूइंग कि रेट को 12 से इंटू करो और फिर उसको 12 से करो, इससे अच्छा है पूरा जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा उसको एट द एंड हम 12 से इंटू कर दें, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया, अब सॉरी ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, उसके बाद थर्ड फोर्थ
एंड ये हमारा फिफ्थ। अब यहाँ पर देखो, ये 12 से ये 12 कटा, ये से ये, दिस से दिस, ठीक है। उसके बाद ये इंटू नहीं है, ये मत समझना कि इंटू है, ब्रैकेट लगाया है। ये मैंने तुम्हें करने के लिए दिखाया कि ये फर्स्ट हमारा इंस्टॉलमेंट है, ये जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा। नहीं, उल्टा देखो, ये फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है उसमें हमने पूरे में पूरे सारे जितने भी बचे 5 इंस्टॉलमेंट थे, 4 इंस्टॉलमेंट में हमने इंटरेस्ट लगाया, उसके बाद सेकंड दिया, थर्ड दिया, फोर्थ दिया एंड फिफ्थ हमारा विदाउट एनी इंटरेस्ट लगा, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में करा है। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो सब प्लस ही है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5x हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल्स टू ए है, तो अमाउंट क्या है हमारा 15120 है, ठीक है, 5a हो गया। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या बचा, x अपॉन 100, राइट। यहाँ पर क्या बचा, x अपॉन 2x अपॉन 100, यहाँ पर क्या बचा 3x अपॉन 100 एंड यहाँ पर 4x अपॉन 100। तो ये है हमारा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 5x प्लस 10x बाय 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा ये 50, 50, 51x बाय 10। अब मैं यहाँ ले जाऊँगी 15120 इंटू 100 सॉरी इंटू 10 एंड डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकलेगी विच इज़ इक्वल्स टू 2964.70। तो ये आ गया हमारा इंस्टॉलमेंट। इट्स वेरी इजी एंड सिंपल, बस एक बार ये फॉर्मूला समझ जाओ तो उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, ए से इक्वेट करना है एंड ए इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस एस आई, उसके बाद एक्स हमें पूरा ये सिंप्लीफाई करना है, विच इज़ वेरी इजी अगर ध्यान से करो। अगर पहले ही सारी अगर फिट करके करो तो इससे नहीं होगा, हमें स्टेप बाय स्टेप इजीली करना है, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चंस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है ऑलरेडी, नहीं तो मैं आज ही स्टार्ट करा देती। बट नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आउट हो पता चल जाए आपको। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।